मैं डॉक्टर रीता जैन राजऋषि महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और मैं बीएससी प्रथम वर्ष को अनिवार्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम मैथिली शरणगुप्त की कविता भारत की श्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इस कविता के विषय में कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैथिली शरणगुप्त एक राष्ट्रीय कवि थे और उन्होंने देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयत्न किया था। इसी संदर्भ में उन्होंने ये भारत की श्रेष्ठता कविता का सृजन किया था और इसके द्वारा जो हमारे भारत की विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उनको हमारे लोगों को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ सत्यवादी आदर्श पुरुषों ने जन्म लिया है। सत्यव्रत, अलर, मयूरध्वज और रुक्मानंद आदि सत्यवादी राजाओं ने सत्य की रक्षा के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। राजा सत्यव्रत ने अपने सत्य की रक्षा के लिए लक्ष्मी, धर्म और कर्म का भी त्याग कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में यह व्यवस्था कर रखी थी कि शाम के समय तक यदि किसी व्यापारी का कोई सामान बिके नहीं तो राजा उसे खरीद लेगा। एक दिन सत्यव्रत ने ऐसे ही शनिश्चर की लोहे की अपशगुनी मूर्ति खरीदकर अपनी सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा की थी। उस मूर्ति को खरीदने के कारण लक्ष्मी ने उनका त्याग किया, धर्म से त्याग किया, कर्म और यश ने उनका साथ छोड़ा। किंतु जब सत्य ने राजा को छोड़ना चाहा तो सत्यव्रत ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही तो यह संकट मोल लिया है, अब तुम कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर सत्य रुक गया और अन्य देवता भी उनके पास आ गए। ऐसा सत्य रक्षा का आदर्श सत्यव्रत ने ही प्रस्तुत किया था। महाराज रंती देव ने अतिथि सत्कार के आदर्श की रक्षा करने के लिए 40 दिन तक भूख की यातना सही। उनके पास सीमित मात्रा में अपने परिवार के योग्य भोजन था। जब भी वे भोजन करने बैठते एक भूखा अतिथि आ जाता और वे अपना भोजन उसे दे देते। ऐसा 40 दिन तक चलता रहा किंतु रंती देव ने अतिथि सत्कार के आदर्श से मुंह नहीं मोड़ा। इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करके गुप्त जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। आदर्श जन संसार में इतने कहां पर हुए, सत्कार भूषण आर्यगण जितने यहां पर हैं हुए हैं, रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याकवलक के समान सप्तम विधि विधायक थे यहाँ, वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, प्रथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज शुद्ध मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निस्तृप्ति मानी रंती देव नरेश ने, ऐसे अतुति संतोष कर पैदा किए किस देश ने। इस कविता का भावार्थ करने से पहले मैं कुछ शब्दों का अर्थ बताना चाहूंगी जिससे कि कविता का भाव अच्छी तरह से आप समझ सके। सत्कार भूषण अर्थात अच्छे काम करने वालों में श्रेष्ठ, विधि विधायक नियम बनाने वाले, सर्वस्व अर्थात सब कुछ, सुत मरण अर्थात पुत्र की मृत्यु, परतृप्ति दूसरों को संतुष्ट करना, अतिथि संतोष कर अतिथि को संतुष्ट करने वाले। आदर्श जन संसार में इतने कहां पर है हुए, सत्कार भूषण आर्यगण जितने यहां पर हैं हुए हैं, रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। मैत्री शरण गुप्त जी ने भारत में प्राचीन काल से आज तक जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव यहाँ व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जितने आदर्श महापुरुष भारत में हुए हैं उतने आदर्श पुरुष किस देश में हुए हैं। इस धरती पर पैदा हुए आर्यों ने जितने अधिक सत्कर्म किए उतने सत्कर्म करने वाले महापुरुष अन्यत्र कहीं नहीं हुए। यदि भी आज उनकी प्रशंसा के गीत बहुत थोड़े से बचे हैं किंतु विश्व के अन्य लोगों ने भी यहाँ के आर्यों के सत्कर्मों की प्रशंसा की है, वही हमारे लिए साक्षी बने हुए हैं।
भारतीय आर्यों द्वारा किए गए सत्कर्मों की साक्षी विश्व के अन्य जन दे रहे हैं। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क के समान सप्तम विधि विधायक थे यहाँ, वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, प्रथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। इन पंक्तियों में भारत के ज्ञानी प्रबुद्धजन कानून बनाने वाले कवि और लोक नायकों की नामावली को प्रस्तुत करते हुए मैथिली शरणगुप्त ने उनकी श्रेष्ठता को बताया है। कवि कहते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल में गौतम और वशिष्ठ जैसे ज्ञानदाता प्रबुद्ध और श्रेष्ठ मुनि थे, मनु और याज्ञवल्क्य जैसे विधि निर्माता अर्थात नियमों को बनाने वाले थे, जिन्होंने मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी थी। यहाँ वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे महापुरुषों का गुणगान करने वाले कवि थे, प्रथु पुरु भरत और रघु जैसे अलौकिक लोक रक्षक राजा हुए हैं। इन पंक्तियों में महापुरुषों की नाम देकर उनकी गुणावली बताई गई है। लक्ष्मी नहीं सर्वस्य जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं, निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने इस अंश में भारत के उन आदर्श महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत किया है जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कवि कहते हैं कि भारत में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए लक्ष्मी का ही नहीं अपना सर्वस्व त्याग दिया था। भले ही अंधा होना पड़ा किंतु उन्होंने सत्य से अपना संबंध नहीं तोड़ा। यहाँ ऐसे महापुरुष मयूर ध्वज जैसे हुए हैं जिन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु तक स्वीकार कर ली और अपने वचनों की रक्षा की। हमारे उन पूर्वजों के शील सदाचार का वर्णन करने में कोई कभी समर्थ नहीं है। यह पद सत्यव्रत अलक मयूरध्वज आदि सत्य प्रतिज्ञ राजाओं को लक्ष्य करके लिखा गया है। मयूरध्वज आदि की कथाएं तो प्रसिद्ध हैं, यहाँ सत्यव्रत की कथा इस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। राजा सत्यव्रत का नियम था कि उनके बाजार में जो भी चीजें बिकने के लिए आती वे यदि दिन भर में ना बिक सकती तो सांझ को स्वयं राजा उन्हें खरीद लेता था। राजा सर्वदा अपने इस नियम का पालन करता था। एक दिन लोहार लोहे की बनी हुई शनि मूर्ति लेकर आया और कहने लगा कि इसका मूल्य 1,00,000 रुपया है, पर जो कोई इसे खरीदेगा उसे लक्ष्मी धर्म कर्म यश आदि सब छोड़कर चले जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। नियम पूर्वक शाम को वह मूर्ति राजा के सामने लाई गई। राजा ने सब कुछ सुनकर भी उसको खरीद लिया, अपने नियम को नहीं तोड़ा। आधी रात को एक सुंदर स्त्री ने आकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी हूँ, तुम्हारे यहाँ शनिचर आ गया है, अब मैं नहीं रह सकती, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। राजा ने कहा जाओ। इसी तरह धर्म कर्म और यश भी विदा हो गए। अंत में सत्यदेव आए और बोले हे राजा मैं सत्य हूँ, शनिचर की मूर्ति के कारण मैं अब नहीं रह सकता, जाता हूँ। राजा ने उठकर हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी धर्म और यश जाए तो भले ही चली जाए, पर आप कहाँ जाते हो, आपको रखने के लिए ही तो मैंने शनिचर की मूर्ति ली है। सत्य से उत्तर देते ना बना, जब सत्य ना गया तब लक्ष्मी धर्म और यश आदि सभी लौट आए और इस प्रकार उन्होंने अपने सत्य वचन की रक्षा करी। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्त कर निस्तृप्त मानी रंती देव नरेश ने, ऐसी अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। यहाँ पर गुप्त जी ने राजा रंतिदेव के अतिथि सत्कार का आदर्श प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव अपना सर्वस्व दान करके 40 दिन तक स्वयं भूखे रहे। इतना कष्ट सहकर भी वे अपने अतिथि सत्कार में तनिक भी शिथिल नहीं हुए। राजा रंतिदेव ने दूसरों की भूख शांत करने में ही अपनी भूख को संतुष्ट मान लिया था। राजा रंतिदेव जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने वाले महापुरुष किस देश ने पैदा किए, ऐसे महापुरुष तो इस भारत भूमि पर ही पैदा हुए हैं। राजा रंतिदेव ने अपना और अपने परिवार का आहार भूखे ब्राह्मण को दान कर दिया। वे स्वयं और उनका परिवार स्वयं भूख से मर गए, किंतु भूखे अतिथि को
उपलब्ध भोजन देकर संतुष्ट रहे। इस प्रकार गुप्त जी ने हमारे यहाँ के ऋषियों मुनियों राजाओं के का वर्णन करके हमारी भारतीय जनता के सामने हमारे भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है।